हाँ भाई, जय श्री राम सभी को। जय भवानी, जय महाराणा। मैं उपेंद्र राणा, हरियाणा। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग होते हैं, मैं ये जो अपना वीडियो लाइव प्रसारण है इसको करने से पहले मैं अपनी बात को रख देना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है ना, किसी व्यक्ति का अगर आज के जमाने में अगर किसी का जवाब दिया जाए उसी की भाषा में, तो उसको हर व्यक्ति जो है कि उसको अपनी बिरादरी से और अपने समाज से, अपने धर्म से जोड़ देता है। सबसे पहले तो मैं अवगत करार देना चाहता हूं सभी बंधुओं को, 36 बिरादरी के लोगों को, कि भाई मैंने किसी के भी, मैं किसी का भी दिल हृदय से कह रहा हूं, मैं यहां हृदय से, कि मैं किसी को भी, किसी की भी जाति या धर्म से, हमारा किसी से भी कोई किसी प्रकार का मन में कोई ठहराघात या द्वेष नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमारे पूरे समाज को अगर गलत बोले, ललकार है, और वो भी हरियाणा की धरती से बैठ करके, तो फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसको करना रहे ए, बंद कर, इसने बंद कर, इसने बंद कर, तू आने लग रही यहां पर ही। तो बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हमारे यहां का एक अरक्षित कारा नाम का आदमी है, जो कि सबसे पहले जब सोशल मीडिया पे आया था उसने मेरे खिलाफ लाइव बनाया था। उसने राजपूत जाट मैटर बना करके आज वो भाईचारे की बात करता। राजपूत और जाट का अगर भाईचारा खराब करने वाले हैं ना दो आदमी हरियाणा में, तो वो तू और एक वो कुत्ता हो, वो भी कटारिया। तुम दो ही आदमी हो, तुम दो ही कुतेड़ हो इस हरियाणा में, जिन राजपूत एंड जाट का नाम लेके ने और भाईचारे का की आग लगाई थी। मैंने जब भी एक आदमी को देवलोहान नाम का आदमी था उसको बोला था, तुमने पूरे समाज का नाम जोड़ दिया था। आज भी सिर्फ और सिर्फ मैं जो चंदा चोर जो है ना, यो जो लड़कियां के बात का नाम पर रपिया जो चंदा खाया करे, तो चंदा चोर, मैं इसको जवाब देना चाहता हूं। ठीक, तेरी किस जाति तर, किस समाज तर, किस धर्म तर बना है, किस तरह बना है? ऐसा कोई आदमी है तो ना जो तुमने देखे बड़ा अच्छा लगता हो? हरियाणा के अंदर एक मोनू मानेसर नाम का गौ सेवक आया था, एक लड़का था गौ सेवक, वो बस उसका इतना कसूर है कि वो तेरे समाज से नहीं था, और वो इतना उसका फेम हो गया उसका कि तुम सारे उसके गेल पड़ गए। उसे गेल पड़ गया, तू गेल पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? दूसरी बात, एक वो लड़का था वो उसमें गया था, वो सलमान खान के उसमें गया था, एलविश यादव, तू और तेरे आसपास के टट पूंजिए जिन के जो तेरे दो दो चार जो मैं कह दूंगा कुछ भी नहीं, हम लोग कह देंगे कैसे बोल रहा है, तेरे जैसे टटपुंजिए वो उसके पीछे पड़ गए। क्यों? वो तेरे समाज से संबंध नहीं रखता था। दूसरी बात, जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, या वीडियो में कोई संजय राजपूत नाम का आदमी बताओ जो कमेंट करे उन्हें, हो सकता है, मैं तो इसको फर्जी मानता हूं, क्या पता कोई फर्जी आदमी ने करा हो, या यो फर्जी बात बनाता हो अपने समाज की सहानुभूति लेने के लिए, या अपने आप को रोबिनहुड दिखाने के लिए। फिर उस वीडियो में क्या कह रहा है, राधे श्याम केवर्णी कह रहे, बिश्नोई राजपूत भाईचार जिंदा, बिल्कुल जिंदाबाद भाई, राम राम भाई को, अच्छी बात है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि भाई जो है कि भाई और जो राज संजय राजपूत उसका नाम लेके ने, उसने इसको बोला है, जो मनीषा डूडी नाम की जो लड़की थी बीकानेर की, राजस्थान की, उसने मुख्तार नाम का क्या नाम को लड़का था जो जिसे शादी कर ली, उसका लड़का हुआ होगा, तो उसने ये कह दिया कि भाई तू सारा भात बरदांड है, तो इसको भी पीड़िया दे जा। सबसे पहले तो मैं गलती उस लड़के की मानता हूं, संजय राजपूत नाम का आदमी है, सबसे बड़ा चूतिया आदमी तो वो है जो इस तक कमेंट करा उसने। फिर इसने क्या करा है, पूरे समाज को क्या बोला? अगर उसने रचिकारा को बोला, वो कह रहा है रचिकारा को कि तू यहां पीड़िया दे जा, इसने फिर किसको बोला? अभी देखो, एक आदमी को बोल रहा है या पूरी बिरादरी को? ये आप सुनना और फिर मैं इसका जवाब दूंगा, इस गधे का जवाब फिर मैं दूंगा, आप सुनना। हम चाहते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी, कभी भी, अब सोच रखा था किसी समाज न के किसी भाई न किसी ने, हम नहीं बोल लांगे, लेकिन इस तरह के व्यक्ति हो जाए उनको जवाब जरूर दिया जाएगा। यो के बोलने लग रहा है पूरी बिरादरी नहीं, देखो अब। और जो जाट समाज के जो भाई है ना, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप भी इस वीडियो जरूर देखना भाई, और फिर बताना कि यो एक आदमी ने बोला पूरे समाज ने बोलने लग रहा है। ये सुनो, इसकी बात सुन लो, सुन लो,
या नाम ले क्या बाण का डूटी बीकानेर की थी अत्रेजी जामो मदखान के साथ भागी उसका छोरा हो रहा है जाकर पीड़िया गाया। उस आदमी ने इसको बोल रहा है कि उसको जाके पीड़िया गाला, लेकिन यो किसने बोलने लग रहा है पूरी बिरादरी ने सुनी होगी इसकी बात। तुम भाई साहब क्या जवाब दूं आपको मैं, जवाब तो मैंने इतना करड़ा दे रहा हुआ है बहनों को कि चकारा भी जातिवाद की बात करने लग गया। तेरी भी देते आड़े दिल्ली दरबारा में लुटी रहा है थी पढ़ लिया था बाड़ है क्यों मेरा मुंह खुलवा मेरे भाई अपना काम कर लेने है भाई। तू कितनी आग ना छटवा लेगा आड़े दिल्ली से नोगा दिल्ली दरबारा में तेरी धारी भी वे पड़ी रहा कर दी थम कितना का छुटवा लगे दिल्ली दरबारा में, यानी कुछ नहीं सही इतिहास पढ़ा है जो पिछले को इतिहास की बात करके नरनोगा दिल्ली दरबारा में पड़ी रहा कर दी। उस आदमी को बोला कि तेरी बाणनू उस तक कहता अब तेरी मानू, लेकिन अब पूरे समाज तो बोला और आगे की बोले सुनते जाऊ इसकी आदमी चलवार बड़ी बात है ये पांच चार तो झाड़ू मार के देख लियो इतना ज्ञान ना दे इतने सूटे शरीफ नहीं है जितना सोच रहा है सोशल मीडिया अंदर भाइयां बिल्कुल नो कह मैं इतना सुधा और शरीफ नहीं हूँ भाई जितना तू मना बिल्कुल को नहीं भाई तू सुधा शरीफ है तय तो माल दूचार मागुंडा है। 15 दिन पहले तेरा सगा भाणजा नवीन नारू जिसका नाम है वो एक लड़की को बुला लेता है और उस लड़की को बुला करके अपने घर पर बुला करके उस लड़की को और वो तेरे समाज की औरत थी उसके साथ में गलत काम कर लेता है उससे सेक्स संबंध बना लेता है और फिर उसकी वीडियो बना लेता है जो तेरे साथ रहा करता तेरा सगा भाणजा नवीन नारू तेरे साथ रहा करता ना वो वीडियो बना लेता है और अपने समाज की लड़की दे 65 लाख रुपये उसके खा जाता है और फिर उसको ब्लैकमेल करता है और फिर वो परेशान हो जाती है ना तो वो एक राजपूत समाज के व्यक्ति से मिलकर के और उसके ऊपर FIR करवाती है और वो आज जेल में है 15 दिन तक। भाई तू समाज का पंचायती तो बाद में बनिए पहले तेरा घर की लड़ाई ने खत्म कर ले, जो तेरा भांजा बलात्कार करके गया है ना पहले उसकी जमानत करवा ले। यो तू है ना राजस्थान में जो जाटा ने जो जाट समाज के जो भाई हैं उन नबावड़ा उड़े बना सके है आठ तो तेरा घर लग की खोज जाना तन्ने भी जाना तू के है तू तन्ने भी जाना हम के सोदा तेरा समझ गया हम तेना ठीक समझा करते बात भी कराया करते करते सारे काम कया भी करते चलो भाई अब ठीक है साजी लेकिन बात जब जात की आओगी ना फिर अब किसी के भी को नहीं समझ गया ना बात ने तो पहले तो तू ना और किसी की लड़ाई और समाज की बाद में लड़िए पहले तो तेरा घर की लड़ाई लड़ दे जो तेरा बाण जा सगा बाण जा अपने समाज की लड़की का बलात्कार करके ना और ब्लैकमेलिंग करके ना जेल में पड़ा उसकी जमानत करा फिर समाज का ठेकेदार बनिए इसकी आगे की ओर सुन दो नू कह है थारी 1.5 क्विंटल सलवार लिकड़े आऊंगी लाल किले पर चले जाइयो लाल किले का चौकर्द को हाथ मार के देख ली झाड़ू काट गए थारी करण चौधरी राम राम भाई राम राम बिल्कुल भाई नू कह थारी सलवार लिकड़े आऊंगी कम से कम भी 1.5 क्विंटल तो तेरा मैं भी कहना चाहता हूं किसे भी कोई भाई नहीं ले इसमें मैं किसे समाज तो नहीं कहता मैं सिर्फ और सिर्फ आरत सिक्कारों को जवाब देना चाहता हूं। तो भाई बात इसी है तना तो इतिहास पढ़ा हुआ कई हजार साल पुराना भाई कोई वामपंथी लिबरांडू कोई सेकुलर लिख दिया वो तेरा पढ़ लिया अर्थात वाय बक दी जो तेरा दिल में थी ना जो तेरा गंध थी मेरे समाज के प्रति मेरी कौम का प्रति वह तेरा बक दी। दूसरी बात मैं तेरा एक बात तुम क्या कहते हो हजार सलवार पड़ी होंगी लाल किले का चौकर देखू तो लाल किले का चौकर देखू मैं चलूंगा जय एक भी सलवार नहीं पाई तो तेरे मुंह में सूर का गू मैं दूंगा तेरे मुंह में फिर। अरे कुत्ते आराम जादे आदमी जय एक भी नहीं पाई तोड़े फिर के करेगा इतना जवाब के है तेरी बात का सुन दे तू हजार साल पुरानी बात बताओगे हजारों साल पुरानी नहीं सुन नहीं और तेरी गांड में दम हो ना तेरी गांड में दम हो तेरा तरलम सुदम दम हो तो ले ले जा बदला सुन दे मेरी बात ने तेरे समाज की थोड़े दिन पहले जंतर मंत्र बैठी नूके थी आग मारे साथ में 1000 लड़कियों के साथ बलात्कार कर रखा है गलत काम कर रखे बोला ब्रजभूषण ने 1000 नाड़े तोड़ रखे हैं तू पुरानी हजार साल पुरानी इतिहास की बात तो छोड़ 2-3 साल पहले नाड़े तोड़ रखे 1000 और तू नाड़े ने चुग लिया उसका ब्रजभूषण का बंगला का चौकर तो क्योंकि मेरा पा जा और के मेरा उसका दिल्ली बंगला चौकर तो पा जा तो लाल किले का सैंक ना है और 1000 साल पुराने नाड़े सलवार पाऊंगी ना पाऊंगी लेकिन 2 साल पहले के 1000 नाड़े जरूर पा जाएंगे
या मैं को निकंदा या तेरे समाज की ही की आलिया ने कही है और हमारे 1000 के साथ में उसने जो संबंध करे हैं, समझ गया? ओरा के छोड़ तू तो उस पहले उस तय कर लो, और के तरह जाके में करना है ना तो उनका पाड़ देना, बाढ़ बिगाड़ दे जाके करेगा है, तरह की में करना है तो उसका कर ले। 1000 साल पुरानी केवरा सलवार पाऊंगी कि ना पाऊंगी नाड़े, लेकिन थारे 1000 नाड़े 2 साल पुराने जरूर पा जाएंगे, अर्धा बाढ़ पैट दे उसका। पुराने जो इतिहास की बात आप केवरा वो सैंक ना वे इतिहास है, या तो सच्चाई है जो तेरे खुद समाज ने स्वीकार करी है, या सिर्फ और सिर्फ भाई मनाया जो लाइव वीडियो है ना, या सिर्फ और सिर्फ मने कुत्ता तो कही है, एक जो कुत्ता है ना इस तक कही है, बाकी तो कोई नहीं गई, ठीक है? फिर भी भाई को अपने आप ने ऊपर ले, समाज समूह तुम्हारा कोई लेना देना को नहीं, हम क्यों कहवांगे? एक आदमी ने बोला तो मैं बिकाने लग रहा हूं, आके एक आदमी तो कही है भाई, हमने सिर्फ एक आदमी थे, एक आदमी तो बोला यार फिर भी भाई लग गए तो भाई लागे जा, और भाई मारता है बात करने की बजाय, इतिहास बताने की बजाय, लाल किले को चौकर उठाने की बजाय, बहुत बढ़िया रहेगा आप अपने 1000 नाड़िया ने लियाओ और उन 1000 नाड़िया ने म्यूजियम में टेक दो जाओ, और छिकारा वो 1000 नाड़े लेके अपने घर न टांग ले, अपनी बहना के नाड़े टांग ले, तू 1000 नाड़े तेरे घर न टांग लिये उन शीशा का मां चढ़ुआ ले, ठीक? और उसका नाम तो फिर चंदा मांग लिया नाड़िया का नाम तो भी तरह आदत है चंदे खाने की,